तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मैं हूँ प्राग, चेक रिपब्लिक, और नितीश भाई अपने फैमिली मेंबर में से एक, इन्होंने मेरे को प्राग में इनवाइट किया और होस्ट किया। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई सिटी घूमने प्राग। आज हूँ बस मैं, कल यहाँ से चले जाएंगे हम। तो हर देश में वॉकिंग टूर किया है किसी के साथ, या फिर मैं इधर से, या फिर मतलब मैं खुद ही इधर उधर सर्च करके घूम लेता था। आज मैंने थोड़ा एक अलग सा टूर लिया है, वो मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। तो नितीश भाई का घर थोड़ा मतलब जैसे होता है सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर ही होता है यहाँ पे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया थोड़े बाहर होते हैं। तो यहाँ से एक बस और फिर मेट्रो लेके हम पहुँच जाएंगे सिटी सेंटर तक। और ये बता रहे थे भाई पूरे साल का यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पास आता है 10-11 हज़ार रुपये का। 10-11 हज़ार रुपये में पूरे साल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। यार कितना सस्ता हो गया ये तो, महीने का 1000 रुपये भी नहीं हुआ, मतलब हाँ $150 मान लो, 1000 रुपये महीने का और आप पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो मैंने भी पास लिया 24 घंटे का, क्योंकि मेरे को कल एयरपोर्ट भी जाना है, तो वो पड़ा है मेरे को लगभग ये मान लो 450 रुपये का, 120 कोरोना का। वही साल महीने भर कर लोगे तो 550 यहाँ के, मतलब 2000। हाँ तो चलो अब चलते हैं सिटी सेंटर पर। भाई बस और ट्रेन लेके मैं आ गया था यहाँ पे प्राग के लगभग सिटी सेंटर में, लगभग क्या सिटी सेंटर ही है। तो आज हम जो राइड करने वाले हैं भाई वो करेंगे हम इन स्कूटर्स पे। इनको मतलब कहते हैं फैट बाइक वगैरह कहते हैं इनको, मतलब इनके टायर देख लो आप कितने मोटे मोटे हैं, मतलब जो मेरी गाड़ी का टायर है शायद उस जितना है, और नैनो के तो 3 गुना जितने हैं। तो ये थोड़ा महंगा है पर देखते हैं यार कैसा रहता है। मैंने सोचा यार बहुत पैदल वैदल घूम के कर लिए टूर, और बहुत मतलब फ्री वॉकिंग टूर वगैरह कर लिए, पर ये थोड़ा अलग होगा, इजी होगा, तो थोड़े वो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। 2 घंटे का है, 1 बजे स्टार्ट होगा और शायद 3 बजे तक चलेगा। तो भाई इन्होंने स्कूटर दे दिया और सामने एक छोटा सा बैग भी दिया है कि अपनी चीज़ें रख लेना, इसमें ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ठीक है। बस ये है कि खड़े होकर चलाओगे तो मोड़ना ईजी रहता है, और बैठ के चलाओगे तो मोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़े टायर भी चौड़े हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा है। देखते हैं कैसा क्या टूर रहता है, मैं आपको इस पे घुमाऊंगा प्राग सिटी। ये तो चलो एक मतलब ऐसे ही है कि अलग से एडवेंचर से ऐड कर दिया, वरना तो अभी टेस्ट राइड के लिए दिया है, आधा घंटा बचा है, तो कह रहे चला के देख लो पहले कम्फर्टेबल हो, और कुछ दिक्कत विक्कत हो स्कूटर में तो बताना। करते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे एक जगह पे आए हैं और यहाँ पे लोग फोटो ले रहे हैं सबसे पतली गली की जो कि पूरे प्राग में है, ये वाली गली है। और इसमें देखो भाई पेडेस्ट्रियन का लगा हुआ है कि पेडेस्ट्रियन जा सकते हैं नहीं जा सकते, ग्रीन ही है वैसे तो, रेड तो क्यों ही होगा। भाई यहाँ पे ना बटन है, बटन है ग्रीन और रेड करने के, देखो रेड हो गए, नीचे से कोई आ रहा होगा फिर। तो भाई यहाँ पे 2 स्टैचू हैं, और ये चेक रिपब्लिक का नक्शा है भाई, ठीक है। और ये देखो हिलते भी हैं ये, और तो ये बंदा सुसु कर रहा है भाई प्राग पे, वो कर रहा है ब्रनो पे, जो मतलब 2 बिगेस्ट सिटीज़ हैं प्राग की, और सॉरी चेक रिपब्लिक की। तो मतलब एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई हमारी सिटी बेटर है, हमारी सिटी बेटर है ऐसे। यार एक थोड़ी दिक्कत इनमें और वो वाले स्कूटर जो हमने बेल्जियम में रेंट किया था ना उसमें भी क्या है भाई, ये जो एक्सेलरेटर है ये भाई लेफ्ट पे देना चाहिए। लेफ्ट पे क्यों भाई, क्योंकि मैं राइट से तो भाई वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, ये भी चला रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाती है फिर, वीडियो लेफ्ट से शूट करनी पड़ती है तो चलते चलते कम बन पाते हैं वीडियो। चलो कोई बात नहीं, ये है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की 60th बेस्ट यूनिवर्सिटी, और ये भी मतलब इनका कुछ है, मेरे को इतना इंटरेस्ट आया नहीं इस चीज़ में, जो जो अच्छी लगनी वो दिखाऊंगा। वैसे नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ से। तो भाई यहाँ पे 2 घड़ियाँ हैं ज्यूइश पीपल के लिए, एक नीचे वाली ज्यूइश के हिसाब से है क्योंकि वो उल्टा पढ़ लेते हैं, तो उनको लगा टाइम भी उल्टा देख सकते हैं, पर ऐसा था नहीं तो फिर 2 बनाई।
ये हम आ गए भाई प्राग के सिटी सेंटर में बिल्कुल। और यहाँ पे भाई मस्त मस्त बिल्डिंग है यार। ये वाला सिटी सेंटर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जैसा मेरे को एंटवर्प का लगा था ये भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारी कहानियाँ बताई भाई सबके बारे में। जो पीछे स्टैचू है ये है एक प्रोफेसर का जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे 16वीं सदी में पर। और जैसे यार देखो आज की तारीख में वो चीज़ होती है, वो थोड़े अलग तरीके से होती है, मैं उस पर कोट नहीं करूँगा। यहाँ पे पहले क्या होता था भाई, अगर आपने मतलब मान लो कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, कोई पाप कर दिया, तो आप बस चर्च में जाते थे उस टाइम पे। यहाँ पे ऐसा चलता था, चर्च में जाओ, आप पैसे दो और चर्च के लोग आपके उस पाप को माफ़ कर देते थे। मतलब एक दिमाग में संतुष्टि बनाने के लिए, हाँ भाई मैंने पैसे दे के अपना पाप माफ़ करा लिया। बस वही है जैसे क्या बताऊँ मैं किसी, यार वो सब कोट करूँगा ना तो लोग मतलब ऐसे कहेंगे तेरे कुछ नहीं बताइए, वो तो ऐसा होता था यहाँ पे, अब पता नहीं कैसा होता भाई, ठीक है छोड़ो। तो भाई मस्त है यार यहाँ पे, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे ये टावर है ऊपर, ठीक है, ये वाली टावर है, तो आप इनके ऊपर जा सकते हो। और इन्होंने बताया प्राग में अगर आप कोई भी टावर दिखते, जैसे मेरे पीछे वो टावर है, तो 90% ऑफ द चांसेस होंगे कि आप उसके ऊपर जा सकते हो। भाई नॉर्मल सड़कों पे तो ज़्यादा मज़े आते हैं, पर ये जो ये वाली होती है ना, इन पे थोड़ा ज़्यादा हिलता है स्कूटर, तो इन पे थोड़े कम मज़े आते हैं, पर मेरे को तो ओवरऑल मस्त मज़े आ रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि भाई मज़े करो, यहाँ पे कोई ट्रैफिक व्रैफिक नहीं है, खाली सड़क है, लंबी सड़क है, तो अपने मस्त चलाओ जैसे चलाना है। तो भाई यहाँ पे आ गए एक पार्क में जो कि बिल्कुल बंजर है, अभी गर्मियों में सही हो जाएगा, पर यहाँ से देखो आप प्राग सिटी का व्यू भाई, ये लग रही है बढ़िया सिटी, मस्त। तो भाई यहाँ पे चाय भी दी है, पर ये बिना दूध वाली है, पीती है ऐसे ही, ये मज़ा आएगा, पर हाथ तो गर्म हुए कम से कम। वॉकिंग टूर में क्या होता है, आपको 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में घुमाएंगे, पर यहाँ पर हम बहुत दूर आ गए भाई। मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब वॉकिंग में थोड़ा वॉक करते करते ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर इसके यहाँ पैसे भी देने पड़ेंगे, वो बात अलग है, पर चलो कभी कभार चलता है ऐसा टूर भी। अभी हम थे वो जो छोटी सी है ना उस वाले पे, और वहाँ से हम चलते हुए आए हैं इस स्ट्रीट से, सबसे महंगी स्ट्रीट है यहाँ से, पेरिस स्ट्रीट कहते हैं, और अब यहाँ आ गए हैं बताओ। और अभी एक दो जगह और जाना है भाई, वो है चार्ल्स ब्रिज, सबसे फेमस अट्रैक्शन प्राग की, दूसरे वाला जिसके ज़्यादा खंभे दिख रहे हैं, वहीं से हमने टूर शुरू किया था भाई। पता नहीं पूरी सिटी में घूम घाम के यहाँ पे आ गए हम, देखो। भाई वो देखो उस पर आईफिल टावर है भाई, ये असली वाले आईफिल टावर के बना था 2 साल बाद जस्ट। और वहाँ पे एक रोड है, और भाई वहाँ पे उस आईफिल टावर के पास एक रोड बता रहे हैं कोई सी उस पर 1 मई को आप जाओगे ना, तो आप चलते चलते जो सबसे पहला बंदिया या बंदी मिलेगी आपको, उसको आप किस कर सकते हो। पता नहीं क्या है, ऐसे तो भाई अजीब ही माहौल हो गया यार, देखने वाला होता अगर 1 मई को जाता तो मैं तो ये है भाई हमारा आखिरी स्टॉप जो है प्राग कासल। आपको लग रहा हो पीछे वाला कासल है, पर पीछे वाला नहीं है, आगे वाला कासल है, और दुनिया का सबसे बड़ा इनहेबिटेड कैसल, मतलब अभी भी इस देश का राजा यहाँ पे रहता है। और इस देश का राजा अभी कौन है, अभी है इस देश का राजा जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इसके अंदर रहता है। और पीछे जो है वो है कैथीड्रल, वो बनना स्टार्ट हुआ था भाई 1400 में और कंप्लीट हुआ था 1970 में, तो लगभग 500 साल में बना था वो जाके। तो यहाँ पे अपने स्कूटर है, ऐसा कुछ नज़ारा है। तो अभी भाई चेक रिपब्लिक के जो प्राग कासल है उसके पास मैं खड़ा हूँ, तो थोड़ा चेक रिपब्लिक के बारे में बता भी देता हूँ। कई सारे लोग इसको चेकोस्लोवाकिया से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, ये हाल ही में बनी हुई कंट्री है 1993। आप हैरान हो जाओ क्योंकि अभी कैसे हो ही नहीं सकता। हाँ भाई पहले ये कंट्री चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानी जाती थी, फिर 1993 में ये टूट के चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग दो देश हो गए,
तो पीसफुली टूट गए थे ये, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं ऐसी। तो 1993 में ही एक कंट्री नामक चेक रिपब्लिक आई थी, उससे पहले ये चेकोस्लोवाकिया ही थी। तो यहाँ की जीडीपी है कुछ $27,000 पर, वो अमेरिकन $47,000 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइफ सस्ती है जीनी, चीज़ें सस्ती हैं, खाने पीने की, रहने का सस्ता है। तो यहाँ का बंदा जो $27,000 कमा रहा है वो सेम लाइफ जी रहा है जो यूएसए में $47,000 बंदा कमा रहा है। तो अच्छी सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मेरे को इस पूरे टूर में, मज़ा आया मेरे को। और अब देखते हैं क्या है। एक फेमस मेरे दोस्त ने बताया कि चेक रिपब्लिक में बियर तो बहुत सस्ती है ही, तो उस कारण से एक बियर बाथ बड़ा सस्ता है यहाँ पे। तो वो मैं पता करता हूँ बियर बाथ कहाँ पे, मतलब पूरे बियर से भरे हुए टब में आप जाके लेट सकते हो। तो भाई ये देखो, इस घर में आपको चार नकली शीशे दिख रहे होंगे, विंडोज़, चार नकली विंडोज़। ये इसलिए हैं भाई, वैसे पहले तो सारी नकली थी है, ठीक है, ये इन्होंने कुछ साल पहले, मतलब ये सारे असली में इसे तब्दील कर दिए। क्योंकि पहले जो होता था ना कि खिड़की, जितनी खिड़की होंगी उतना टैक्स लगेगा, तो भाई वो नकली खिड़कियाँ बना देते थे लोग घर को अच्छा दिखाने के लिए, पर टैक्स नहीं देते थे फिर। तो अब ये हट गया, तो फिर इन्होंने नकली की जगह असली कर दी। पर इस घर ने बचा के रखी अपनी चार खिड़कियाँ, ताकि मतलब एक हिस्ट्री के टाइप पे किया भाई ऐसा होता था, अब तो सबने असली कर ही दी हैं। तो ये एक ऐसी रोड आ गई थी भाई जहाँ पे मतलब कुछ भी, मतलब बाइक, साइकिल, ये स्कूटर, ये चलाने अलाउड नहीं है। तो हम इसको घिसड़ा के लेके आए, मतलब वैसे तो ढलानी थी तो मतलब जोर नहीं लगा, पर हाँ ऐसी रोड्स भी हैं यहाँ पे भाई। जो चेक रिपब्लिक था ना, वो भी मतलब जो जब चेकोस्लोवाकिया था ये, तब ये भी कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मतलब वो होता है यार जिसमें मतलब एक तरह से राजा होता है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है, जैसे चाइना कम्युनिस्ट है अभी, 2008 तक नेपाल भी कम्युनिस्ट था, और रशिया कम्युनिस्ट कह सकते हो आप, वियतनाम कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो ये एक दीवार है, मतलब इन्होंने भी जो चेकोस्लोवाकिया ने है अपने आप को कम्युनिस्ट चीज़ से हटाने की कोशिश करी थी 1968 में, फिर रशिया ने इन पर कर दिया था अटैक कि भाई तुम कम्युनिस्ट ही रहो, तुम क्या डेमोक्रेसी वगैरह के पीछे भाग रहे हो। तो उसके बाद मतलब इस वॉल पे सब लोग आके ग्रेफिटी वगैरह बनाते हैं, और हर चार सालों में वॉल को वाइट पेंट कर देते हैं ये लोग, ताकि नए लोग आके बना सकें। और अभी ये पूरी दीवार भर चुकी है सिर्फ 7 महीने हुए हैं बस इसको वाइट पेंट हुए, तो दिखाता हूँ आपको क्या है। और वो गाइड मार्कर भी लेके आया था कि आपको कुछ बनाना है क्या, मेरे को इतना पता नहीं इस चीज़ के बारे में, मैंने कहा नहीं भाई ठीक है। वो जो और ग्रुप आ रखा है, एक फैमिली, चार बंदों की, वो मार्कर ले कुछ बनाने गए हैं। तो भाई ये आखिरी में एक पोलरॉइड फ़ोटो भी दिया, अभी बन रही है, मतलब धीरे धीरे बनती हैं ये वाली। तो ये मेरी फ़ोटो भी दी आखिरी में, फ्री में पानी की बोतल भी देते हैं, ठीक है चलो अब देखते हैं क्या करना है। तो अब मैं आ गया हूँ भाई चार्ल्स ब्रिज पे, टूर ख़त्म हो गया। टूर भाई एक्सीलेंट था, 10/10 दूंगा मैं। टूर गाइड भी बंदा बढ़िया था, कुछ ऐसे जल्दबाजी भी नहीं थी पूरे टूर में कि भाई भाग लो भाग लो भाग लो वाली, और अपना आराम से वीडियो बनाई है मैंने, अपना आराम से घूमा हूँ, फ़ोटो भी खिंचवाई, कुछ भाग लो वाली जल्दी नहीं, और शहर का काफ़ी कुछ कवर कर लिया। तो अब बस मेरे को लेना है एक मैग्नेट, और बियर बाथ का जो मैं कह रहा था उसमें यार उनको ज़्यादा फ़ायदा है जो मतलब बियर पीते हैं जाने में, क्योंकि एक टब सा होता है जिसमें आप लेटे रहो और बियर पीते रहो, अनलिमिटेड आपको मिलती है, और यहाँ से है भी काफ़ी दूर, मैं चला जाता पर अभी इतना दूर जाने का मन था नहीं है मेरा। और अगर दोस्त होते हैं ना तो ऐसी जगह जाने में ज़्यादा फन आता है, करेंगे दोबारा। ऐसा नहीं होता यार कि मैं इस सिटी में कुछ छोड़ दिया, मैं कभी ज़िंदगी में प्राग दोबारा नहीं आऊँगा। आऊँगा भाई, क्यों नहीं आऊँगा, दोबारा भी आएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, 3-4 घंटे घूमो अपना, मज़े करो और फिर रेस्ट करो, मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है। चाहे कम घूमो पर शरीर को इतना मत थकाओ, पता नहीं भाई अपनी अपनी फिलॉसफी है। और कई लोग कहते हैं भाई मैं बड़ी शिकायत करता हूँ, तो उन लोगों से एक ही दरख्वास्त है भाई, तुमको पता है मैं शिकायत करता हूँ, मत आओ ना मेरी वीडियो देखने, फिर भी आ जाते हो मुँह उठा के वीडियो देखने, और तुम कमेंट भी करते हो फिर भाई बंदा शिकायत करता रहता है, मत आओ ना तुम वीडियो देखने, तुमको क्या मैं ज़बरदस्ती, तो तुम्हारे फ़ोन पे खुल नहीं रही है वीडियो मेरी। ये चार्ल्स ब्रिज है, और यहाँ पे कई सारे स्टैचू हैं जो मतलब इसमें असली का सोना है। तो एक स्टैचू
2018 में शायद एक ब्रिटिश के बंदे ने चुरा लिया था या फिर क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय कर दिया था ये वो। तो कई सारे स्टैचू यहाँ से उठा के प्राग सिटी में अलग अलग जगह रख दी हैं और उसकी जगह यहाँ पे नकली स्टैचूज ला के रख दी हैं। तो बताओ इतना कुछ करना पड़ रहा है। 1400 सदी में बना था ये ब्रिज। अब बस चलते हैं वापस नीतीश भाई के घर पे और उनके घर के आसपास घूमेंगे, सुपरमार्केट घूमते हैं, कितना का महंगा है प्राग ये भी देख लेते हैं। भाई मैंने सोचा कि थोड़ा और घूम लेते हैं, पर उसके लिए भाई पहले सुसु करना ज़रूरी है। मेरे पीछे आप स्टारबक्स देख रहे हो। पहले मैं गया एक पेड टॉयलेट में, जो पेड टॉयलेट होती हैं ऑल ओवर यूरोप, 1 यूरो 2 यूरो ऐसे लेके, तो वो कहती हम सिर्फ कैश लेते हैं, कैश मेरे पास है नहीं, यहाँ की करेंसी एक दिन की ले आऊँ, कैश थोड़ा निकलवाऊँगा भाई। फिर उसके बाद मैं गया स्टारबक्स पे कि चलो टॉयलेट तो होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़ करने का सिस्टम है कि भाई ऐसे टॉयलेट पे कोडेड लॉक लगा रखा है भाई, कि कोड भरो और तब जाके टॉयलेट का दरवाज़ा खुलेगा। भाई पैसे मैं देना चाहता हूँ और उसमें कोड आपको तब मिलेगा जब वहाँ से आप कुछ खरीदोगे, मतलब रिसिप्ट में टॉयलेट का कोड लिखते हैं। अरे लोग कितनी क्या बेशर्मी है यार ये बात। इंडियन रेस्टोरेंट पर आप जाओगे फ्री में आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, ये मेरे को बातें पसंद है यार। फिर मतलब बंदा पैसे देने को मैं तैयार हूँ यार टॉयलेट जाने के लिए, पर वो हम सिर्फ कैश लेंगे, बंदा क्या करे।